बल्ला गुल्ला मत करो, हम भेज रहे हैं ना, चेकिंग नहीं करें क्या? हमने कुछ कहा ही नहीं है भाई, चेकिंग भी तो करनी जरूरी है ना। कल्ला कल्ला। तो आज मैं बिना सोचे घर से निकल पड़ी और सोचा कि क्यों ना लोटस टेम्पल ही घूम लिया जाए। लोटस टेम्पल का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कालकाजी मंदिर है, यानी कालकाजी मंदिर बहुत पास पड़ता है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर आसपास पूजा की सामग्री भी मिल जाती है और आप कालकाजी के दर्शन करते हुए लोटस टेम्पल जा सकते हो। मेट्रो से उतरते आपको किसी से भी पूछ लेना है और सीधा सीधा चलना है, आपको यहीं से दिख जाएगा लोटस टेम्पल। नया हमारा लोटस टेम्पल और साइड में देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है आज संडे, और कालका जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे इतनी ज्यादा लंबी भीड़ लगी है भक्तों की। वहाँ पे मंदिर और भीड़ यहाँ से लेके और पीछे तक लगी हुई है। तो भाई लोटस टेम्पल में जहाँ से दिख चुका है, अब बस अंदर जाना है। ये मेरा अनप्लान ट्रैवल था, मतलब बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी। मतलब मैं मेट्रो में बैठ के गूगल कर रही थी कि कहाँ जाऊँ, फिर मैंने कहा लोटस टेम्पल दोस्तों के साथ क्या ही आऊंगी, अंदर कुछ है भी नहीं इंजॉय करने लायक, तो थोड़ा बहुत अकेले ही पीसफुल जगह मैं घूम लेती हूँ। तो सोचा कि लोटस टेम्पल जाती हूँ, साथ साथ कालकाजी माता के दर्शन भी कर लूँगी। संडे के दिन आओगे तो ऐसी भीड़ मिलेगी बाहर से ही, और लोटस टेम्पल की एंट्री बिल्कुल फ्री है। अंदर शायद है कुछ प्रेवरे करते हैं, पता नहीं है। प्रे ना कर दे, वो ब्रंच पड़ी रहती है ना, हम चुप बैठ के आ जाते हैं। हम चुप बैठने को तो कहते ध्यान लगाते हैं थोड़ा बहुत जो भी है। आप अल्लाह गुल्ला मत करो, हम भेज रहे हैं ना, चेकिंग नहीं करें क्या? हमने कुछ कहा ही नहीं है भाई, चेकिंग भी तो करनी जरूरी है ना। कल्ला कल्ला। हमने एंट्री और ये देखो भाई रास्ता काफी सुंदर लग रहा है मुझे तो, फूल वगैरह बहुत अच्छे सजा रखे हैं। बाकी सामने यहाँ पे लोटस टेम्पल छुपा हुआ है पेड़ों के बीच में, ज्यादा भीड़ तो नहीं है बट हाँ संडे के हिसाब से ठीक ठाक भीड़ है। यहाँ पर टॉयलेट भी है भाई, मुझे पता नहीं था। तो लोटस टेम्पल के अंदर जाने से पहले अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन सेंटर से पता कर सकते हैं जो कि यहाँ पे अंदर है। संडे को आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी और मंडे को तो ये बंद रहता है, तो कोशिश करना इसके अलावा किसी और दिन आने का। लोटस टेम्पल के साइड में जितने भी पार्क्स हैं वहाँ पे हम नॉर्मल लोग अलाउड नहीं है जाने के लिए, यहाँ के वर्कर वॉलंटियर्स जो भी होते हैं वही सब जा सकते हैं, बाकी हम लोग तो बस इसी फुटपाथ पे ही चल सकते हैं। ये सही है, जितनी तेजी से लोग जा रहे थे उतनी तेजी से लोग बाहर भी आ रहे हैं, ऐसा लगा जैसे भगा दिया सबको। लोटस टेम्पल बहाई धर्म के लोगों द्वारा बनवाया है, यानी कि बहाई एक धर्म है, रिलीजन है, जिनके फॉलोअर्स ने लोटस टेम्पल को बनवाया था। और इस टेम्पल की विशेषता ये है कि ये सारे रिलीजन्स के बीच में एकता यानी यूनिटी दिखाने के लिए बनवाया गया है। जूते साथ में, ये बता रहे हैं कि भीड़ होने की वजह से बहुत ज्यादा जूते चप्पल जमा हो जाते हैं, इसलिए खुद से लेके घूमना। वैसे तो यहाँ पर शूज रखने की जगह होती है लेकिन संडे की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और बिल्कुल भी जगह नहीं बची, और ऐसे कोने कोने में लोगों को जूते रखने पड़ रहे हैं। पर मुझे क्या लगता है कि लोटस टेम्पल इतना फेमस है तो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी बहुत तो सुविधाएं होनी चाहिए, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए और ऊपर से टूरिस्ट भी आते हैं। इतनी सारी जगह कम से कम जूते चप्पल रखने की जगह तो बनाना चाहिए था, और साथ ही साथ यार लोटस टेम्पल तो मंदिर है, वहाँ पे जूते लेके कैसे जा सकते हैं। सुंदर लग रहा है ये नीला पानी, सीट वगैरह भी बनी हुई है बैठने के लिए, पर अभी तो फिलहाल लोग ज्यादातर वहां पे भीड़ लगाए बैठे हैं। वही नीचे का नजारा कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर पर एंटर करने से पहले हमें यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है और कुछ रूल्स बताए जाते हैं जो हमें फॉलो करके अंदर जाना होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बहाई उपासना मंदिर में। बहाई धर्म एक विश्वव्यापी धर्म है जिसका उद्देश्य सभी जाति धर्मों को एक विश्वास के साथ जोड़कर प्रभु धर्म में लाना है। आप लोगों से निवेदन है अंदर शांति बनाए रखें, अपने मोबाइल फोन और कैमरा यहीं पर स्विच ऑफ कीजिए, आप उसका इस्तेमाल अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे
पैसे ही पैसे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों चढ़ा दे, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मुझे 5 मिनट का समय दे देना, सारा साफ कर देती मैं। सेल्फी मोड में ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मुझे शर्म आती है यार, मैं अकेली हूँ और क्या करूँगी मैं ऐसे। और एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा लोटस टेम्पल पूरे वर्ल्ड में मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है और इसका जो डिज़ाइन है वो सिडनी में जो ओपेरा हाउस है ना उसकी तरह दिखता है अगर आपने देखा हो तो। और अगर आपके पास टाइम हो तो इवनिंग व्यू ज़रूर देखना, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। ये देखो भाई भीड़ कितनी ज़्यादा है जाने वालों की, भाई साहब चीटी ऐसी भीड़। घूम लिया चलो। काफ़ी लोगों को ये होता हो कि अंदर ऐसा क्या है जो बंद रहता है, मतलब अंदर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से मतलब कैमरा अलाउड नहीं है, फिर जो भी है वो बस यहाँ की पीस मेंटेन करने के लिए होता है। वैसे जगह काफ़ी सुंदर है, हर जगह हरियाली है, दूर दूर तक भी देखो। लोटस टेम्पल में हर जगह ऐसी सीट्स भी बनी होती है, अगर आप चाहो तो रेस्ट भी कर सकते हैं आराम से। अभी भी इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर और यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। लोटस टेम्पल के अंदर तो खाने का कुछ भी अलाउड नहीं होता है इसलिए अब बाहर ही खाना पड़ेगा। और लोटस टेम्पल के सामने ही बहुत सारी दुकानें लगी होती है खाने पीने की। मुझे अकेले व्लॉगिंग करने में इतनी शर्म आती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाती हूँ मैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं दिल्ली की किसी जगह का व्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, मैं जाने की पूरी कोशिश करूँगी और बताऊँगी कि मुझे वो जगह कैसी लगती है।